स्वागत करते हैं हम आपका नई वीडियो में। माइलेज की किंग कहे जाने वाले वोल्टो को आज हमने एक बार फिर दोबारा किया है। और ये थी हमारे पीछे गाड़ी खड़ी है और इसके जो अंदर हमने इंस्टॉल की एक किट वो भी हम आपको दिखाएंगे और बारीकियाँ दिखाएंगे कि जो हमारे फिटर थे उन्होंने कितनी बारीकी का के साथ सेफ्टी का मेंटेनेंस बनाए रखा। और अभी मैपिंग स्कैनिंग भी इस दौरान चल रही है, दिखाते हैं हम आपको कि कैसे काम किया। पहले चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं जो फिटिंग की हुई है इस दौरान। देख सकते हैं कि पूरा ये ओवरऑल है, ये पूरा ओवरऑल व्यू है कि हमने जो कंपोनेंट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं उनके कनेक्टिविटी कितनी आसानी से की गई है। मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ इंजेक्टर रेल से। देख सकते हैं तीन सिलेंडर की गाड़ी है, तीन इंजेक्टर हमने इसमें लगाया हुआ है। इंजेक्टर को जब हमने कनेक्ट किया था वहाँ पे फिट किया है तो पूरा ध्यान रखा था कि जो उसकी कपलर टू कपलर जो फिटिंग की हुई है उसकी कनेक्टिविटी भी काफी अच्छे से बनी रहे। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कनेक्ट सफेद कलर का दिख रहा है, ये कपलर टू कपलर पूरी फिटिंग की गई है। और साथ में जो वायरिंग हमने यहाँ से बिछाई हुई है, जो ECM जिसको कहा जाता है CNG का सबसे बड़ा माइंड, जो पिकअप और मैपिंग स्कैनिंग माइलेज में आपको सबसे ज्यादा डाटा स्टोर करके अच्छा फीडबैक दे सकता है उसे कहा जाता है। इसके 48 पिन की जो वायरिंग होती है उसकी जस्ट नीचे से जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए देख सकते हैं यहाँ से उड़ते हुए जाती है। यहाँ पे रिड्यूसर को एक पार्ट जो है रिड्यूसर को कनेक्ट करता है। ये रिड्यूसर वो काम करता है जिसमें हम हाई प्रेशर के जो CNG होती है उसको रिड्यूस करके काम करने लायक बना देते हैं, बनाने की काम कैपेबिलिटीज होती है इसके अंदर। ठीक, इसके साथ यहाँ पे रबर पाइप जो जा रहा है ये सीधा इंजेक्टर रेल को कनेक्ट करता है। देख सकते हैं मैप सेंसर हमने बीच में लगाया हुआ है। और ये रहा यहाँ पे CNG फिल करवाने का, कि CNG यहाँ से फिल करवाते हैं। नीचे वाला जो पार्ट जाता है पाइप का, ये जाता है सीधा आपके सिलेंडर की तरफ और ये वाला जो है रिड्यूसर से कनेक्ट होता है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ मैपिंग स्कैनिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे जो हमारे टेक्नीशियन है इस टाइम पे पूरा ध्यान रखते हैं कि जो पेट्रोल की ट्रिम्स है उसको सही एफिशिएंसी पे रखी जाए, जो चल रही है फ्रीक्वेंसी उसको ठीक एग्जैक्ट हम बैठा सके इस पे भी, ताकि जो आपको 95% का पिकअप रेशियो है वो बनाया जा सके और जो आपको माइलेज मिलता है पेट्रोल में ठीक उससे ज्यादा 1.5 गुना मिल सके। हाँ, यहाँ भी हम दिखाते हैं आपको कि जो हमने अभी फिल करा रखा है पूरा CNG टैंक, उसमें बटन आपके ऊपर वाले जो लाइट होती है ये दिखाती है कि अभी आपके सिलेंडर में कितना स्टोर हो रखा है CNG। और ठीक इसके साथ नीचे वाला जो है अभी दिखा रहा है कि अभी जो गाड़ी है वो इस दौरान CNG पे स्टार्ट हो रखी है। बूट स्पेस दिखाते हैं, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था आपको। बूट स्पेस में हमने लगाया है इसमें सिलेंडर छोटा क्योंकि इसका बूट स्पेस बहुत कम होता है। देख सकते हैं इसके अंदर जब हमने फिल करवाया तो इसके अंदर आई है 6 किलो से ज्यादा की गैस। और जब हमने लगाया था तो नोजल का पूरा ध्यान रखा था कि इसकी कनेक्टिविटी काफी मजबूत रखे और जो लीकेज की प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हमने ये टेप का यूज किया हुआ है। इससे सेफ्टी काफी मजबूत हो जाती है। स्टेपनी की हालत आप देख सकते हैं कि खड़ी स्टेप नहीं आती है क्योंकि इसका बूट स्पेस बहुत कम बचता है और डीप आपको स्पेस मिलता है। यहाँ पे माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज आपको दिल्ली जैसे सिटी में 150 से ज़्यादा और इन हाईवे में जाते हैं तो 200 से भी ज़्यादा का माइलेज मिल जाता है। ये तो मैनुअल गाड़ी, पर हमने इसके जो अपर वर्जन होता है ऑटोमेटिक का वो भी हमने इस वीडियो में लगाया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट में हम आपको डाल देंगे उसका लिंक, आप देख सकते हैं जाके। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी एफिशिएंसी लगी हो और अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा कैसे क्या आपको कौन सा पार्ट सही लगा। ठीक, इसके साथ लाइक और शेयर करिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। थैंक यू सर।